यूक्रेन में पुतिन को धूल चटाने के लिए अमेरिका ने वो दांव चल दिया है जो उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को हराने के लिए चला था। राष्ट्रपति बाइडेन ने जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए लैंड लीज बिल साइन कर दिया ताकि यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद आसानी से पहुंचाई जा सके, जिसके लिए तारीख भी चुनी गई एक दिन पहले की, यानी जब विक्ट्री डे पर पुतिन अपनी ताकत की नुमाइश में जुटे थे। तब व्हाइट हाउस में बाइडेन यूक्रेन में रूस के पर कतरने की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ पुतिन के अगले कदम के बारे में सोच सोच कर पूरी दुनिया की सांसें अटकी थी, दूसरी तरफ बाइडेन ऐसी बिसात बिछा रहे थे जो यूक्रेन में रूस का द एंड कर दे। लैंड लीज एक्ट को अमेरिका की यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मदद बताया जा रहा है, ऐसी मदद जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने जिगरी से जिगरी दोस्त तक के लिए नहीं की। इसी वजह से बाइडेन की दरियादिली को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ऐतिहासिक कदम बताया। वैसे लैंड लीज बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने ही पास कर दिया था, जिसके बाद बाइडेन ने भी उस पर साइन कर दिए और पुतिन को हराने के लिए 81 साल पुरानी वो रणनीति अपनाई जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ अपनाई थी। 1941 में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और बाकी साथी देशों को हथियार देने के लिए लैंड लीज कानून बनाया था ताकि हिटलर के नाजी जर्मनी को हराया जा सके। उस लैंड लीज एक्ट से ब्रिटेन को काफी मदद मिली और विश्व युद्ध में हिटलर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमेरिका ने उसी एक्ट को यूक्रेन के लिए एक बार फिर जिंदा किया, लेकिन इस बार पूरा सीन ही पलटा हुआ है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में रूस यानी तब का सोवियत संघ भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था और लैंड लीज एक्ट के तहत अमेरिका की मदद उसे भी मिली थी, लेकिन इस बार अमेरिका की मदद मिलेगी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए। वैसे अमेरिका अब भी यूक्रेन को मदद भेज रहा है, लेकिन उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। लैंड लीज एक्ट उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा और अमेरिका अपने हथियार, सैन्य सामान, दवा, खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान यूक्रेन को जल्दी ट्रांसफर कर सकेगा और फिर बाद में यूक्रेन उस मदद की कीमत अमेरिका को लौटाएगा, जो कि अब तक 380 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 29,000 करोड़ से ज्यादा की मदद यूक्रेन को दे चुका है। लेकिन जब लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में है तो फिर अमेरिका क्यों उसमें कूद गया? माना वहां सामने अमेरिका का दुश्मन रूस है, लेकिन अमेरिका और जंग का रिश्ता सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं सिमटा है। लड़ाई इराक की हो, लीबिया की हो, सीरिया की हो या फिर यमन की, दुनिया के जिस भी कोने में कोई विवाद होता है अमेरिका उसमें किसी न किसी तरह कूद ही जाता है। लेकिन क्यों? सवाल यह है कि अमेरिका लगभग हर देश के विवाद में क्यों उलझा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जंग जिन देशों के बीच छिड़ी होती है वो तो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका की चांदी हो जाती है, क्योंकि अमेरिका हथियारों का बहुत बड़ा निर्माता है और जंग बिना हथियारों के तो लड़ी जाएगी नहीं, इसलिए युद्ध हथियार बनाने वाली अमेरिका की कंपनियों को मालामाल कर देता है। दूसरी बात यह कि अमेरिका अपनी सेना पर पानी की तरह पैसा बहाता है और अमेरिका की फौज का मिशन ही है अपनी ताकत पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करना, जिसके लिए अमेरिका ने अंटार्कटिका को छोड़कर सभी 6 महाद्वीपों पर अपने कम से कम 750 मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। अब अगर कहीं युद्ध हो ही ना तो अमेरिका के वो मिलिट्री बेस, अमेरिका का वो रक्षा बजट किस काम का? वो सब बेकार है। और फिर युद्ध लड़कर अमेरिका का एक और फायदा है, वो जंग के जरिए खुद को हमेशा हीरो और रूस जैसे उसके दुश्मनों को विलन दिखाने की कोशिश करता है। वो युद्ध को अपने प्रोपेगेंडा के बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। तभी तो शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका के लिए जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। अमेरिका ऐसा देश है जो इस सदी की शुरुआत से लगातार जंग में उलझा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका खुद को महान और शांति के ऐसे दूत के तौर पर पेश करता है जो दुनिया में लोकतंत्र, इंसाफ और बराबरी चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में सरकार चाहे जो रही हो, वो जंग के जरिए अपने नागरिकों के मन में देशभक्ति का राग छेड़कर अपने देश के दुश्मन के खिलाफ गुस्सा भरकर अपने लिए समर्थन जुटाती रही है। अमेरिका में युद्ध को उसकी ताकत के साथ जोड़ दिया गया है और अमेरिका जैसी महाशक्ति हार कैसे सकती है? यही वजह है कि अमेरिका में कभी सेना पर सवाल नहीं उठते। इसके साथ ही युद्ध अमेरिका के लिए अपने नागरिकों का ध्यान घरेलू मुद्दों से भटकाने का बहुत बड़ा पैंतरा भी है। जंग लड़ने से अमेरिका में बढ़ती गरीबी, आए दिन हो रही गोलीबारी की घटनाएं और कोरोना से निपटने में हुई बदइंतजामी जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं होती।